टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। दीपावली के मौके पर पुलिस ने आगरा की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लोगों को खोए हुए 140 मोबाइल बरामद की है, जिनकी कीमत 23 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं पुलिस लाइन में पुलिस ने मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल सौंप दिए और मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, जिसके बाद जनता ने आगरा पुलिस का आभार जताया है। देखिए, ये लॉस्ट एंड फाउंड सेल है, ये सर्विलांस सेल सिटी जोन के अंतर्गत एक सेल है जो लगातार आमजन के मोबाइल फ़ोन जो गुम होते रहते हैं उनको ट्रैक करके और उनको रिट्रीव करके उनको वापस किए जाने का प्रयास हमारे द्वारा समय समय पर किया जाता है। और उसी के क्रम में आज लगभग 140 मोबाइल फ़ोन हमारे सेल ने बरामद किए हैं और बरामद करके जो भी इन मोबाइल फोनों के ओनर्स हैं उनको बुलाकर इनको वापस वितरित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थी 11वें दिनों से अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन पर धरना दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों ने लगातार पिकअप भवन पर प्रदर्शन कर अपनी आवाज को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन इन अभ्यर्थियों को इको गार्डन पर प्रदर्शन करने की सलाह देकर चलता कर दिया गया था, जिसके बाद यूपी के अलग अलग जिलों से आकर दिन रात अभ्यर्थी खुले आसमान के नीचे बैठकर सरकार से अपनी नियुक्ति को लेकर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इको गार्डन में आज 12 दिनों से यूपी ट्रिपल एससी के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना प्रदर्शन कर अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इससे पहले इनके द्वारा पिकअप भवन पर अधिकारियों के कार्यालय का घेराव कर अपनी मांग रखी गई, उसके बाद इनको इको गार्डन जाने की बात कही गई। उसके बाद से लगातार ये जो अभ्यर्थी आप देख रहे हैं ये यूपी ट्रिपल एससी के सभी अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग जिलों से आकर के यहाँ पर अपनी मांग रख रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा ज्ञापन भी सरकार तक पहुँचाया जा रहा है। आप जो यहाँ की भीड़ देख रहे हैं ये रोज़ाना कभी बढ़ती है कभी घटती है, यानी कि बात की जाए जो ये अभ्यर्थी हैं लगातार अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मांगों को लेकर के आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन अगर हम बातचीत करें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक छोटा बच्चा भी बैठा है जो अपने पिता की नियुक्ति के लिए पहुँचा हुआ है। यहाँ पर दूसरी तस्वीर आप इनको देख रहे हैं जो कि मुखबधिर, यानी कि बोल और सुन नहीं सकते और अपने परिणाम को लेकर के आवाज़ उठाने के लिए वो भी यहाँ पर शामिल हैं। लेकिन अगर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो हम बातचीत में ये जानेंगे कि आखिर जो ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कार्यालय भी पहुँच रहे हैं, अधिकारियों तक भी पहुँच रहे हैं और आज जिस तरह से काली पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं, तो आखिर काली पट्टी बांध कर बैठने के पीछे वजह क्या है, ये बताइए। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है। और सुरेश जी, ये बताइए, आप जो काली पट्टी बांधे हुए हैं, काली पट्टी बांध के विरोध का क्या मतलब है? सर, हम लोग काली पट्टी बांध के ये विरोध जता रहे हैं कि हमारा 4 साल से ऊपर हो गया समय और अभी तक महज कुछ कैंडिडेट हैं इसमें और इसका फाइनल रिजल्ट जारी करके हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है और ये भर्ती सितंबर 2019 की है और हर एक स्टेप पे हम लोग को धरना प्रदर्शन ही करना पड़ा है और हम लोग इतना परेशान हो गए हैं और हम लोग की जो एज है वो निकलती जा रही है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख ही रहे हैं, तो हर तरह से हम लोग मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर लेडीज भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आपका क्या नाम होगा? सीमा पाल। सीमा जी, आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर अपना ये बात रखने के लिए? सर, वैसे तो मैं हरदोई की रहने वाली हूँ पर अभी मैं फिलहाल लखनऊ में हूँ, तो मैं गोमती नगर से आई हूँ अपनी बात रखने के लिए। ये बताइए, आप लोग जिस तरह से अपनी नियुक्ति की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमने जो है जो अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति भी दी है, तो आखिर जो नियुक्ति की बात की जा रही है और आप लोग नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, तो आखिर दोनों की कड़ी के बीच का मामला क्या है? सर, मामला तो क्या है, ये तो न्यूज़पेपर में जो निकला था कि हमें अक्टूबर में नियुक्ति दे दी गई, पर हमें तो पता ही नहीं क्योंकि अभी तक हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो सर, अब ये बीच में क्या गड़बड़ हुई है तो हम नहीं जानते, सरकार या आयोग ही जान सकता है। तो यहाँ पर एक शख्स और भी है क्योंकि हम इनसे भी पूछेंगे कि ये बताइए, आपका नाम क्या है? अनुप कुमार पांडे। पांडे जी, ये बताइए, आपकी आवाज़ जिस तरीके से आप लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अधिकारियों तक भी पहुंच रहे हैं, कार्यालय भी जा रहे हैं, अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई अभी तक? नहीं सर, अभी तक तो केवल सचिव जी से मुलाकात हुई हम लोगों की और सचिव जी ने सिर्फ वही अपना जो मजबूरी दिखाई है कि हमने रिमाइंडर जो है कार्मिक विभाग को भेजा है और वहाँ से कोई रिमाइंडर का जवाब नहीं आ रहा है। ये बताइए, एक अहम सवाल ये आ जाता है, आज आप लोग काली पट्टी भी बांधे हुए हैं, जी सर, दीपावली का पर्व भी है,
तो दीपावली के पर्व पर क्या आप लोग घर जाएंगे, अपना धरना खत्म करेंगे या फिर इसी धरने को यूं ही जारी रखेंगे? जी सर बिल्कुल, हम लोग जो है हम लोगों के लिए बेरोजगार हैं, तो दिवाली हमारे लिए क्या है, एक शोकपूर्ण ही दिवाली है। जब हम एक रोजगार मिलेगा, हमें नियुक्ति मिलेगी, तब तुम्हारे लिए दिवाली मनेगी। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस इको गार्डन में हम लोग डटे रहेंगे और इस दिवाली को यहीं मनाएंगे और धरने को अनवरत जारी रखेंगे जब तक हमें परिणाम नहीं मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये अभ्यर्थी अपनी आवाज़ उठाने के लिए लगातार 12 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो अब देखना ये होगा कि क्या इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा या फिर इन लोगों का इसी तरह धरना और जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। इको गार्डन में 6 दिनों से धरने पर बैठी यूपी डायल 112 की महिला कर्मियों में कई महिला कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई, जहां बीती देर रात हुई बारिश में भी इन महिला कर्मियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे महिला कर्मियों के प्रदर्शन के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पुलिस की सख्ती भी बढ़ती जा रही है। आज के दिन पुलिस ने इको गार्डन का मेन गेट बंद कर दिया, वहीं छोटे गेट पर बैठी पुलिस अंदर आने वाले वालों की आईडी कार्ड भी देख रही है, अंदर जाने की अनुमति दे रही है। साथ ही प्रदर्शन कर रही महिला कर्मियों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इससे पहले अगर बात की जाए तो इन महिला कर्मियों की नई एडीजी बनी नीरा रावत ने कहा कि 15 मिनट की बातचीत में कोई फैसला नहीं हो सका है। राजधानी लखनऊ में जब भी कोई अपना विरोध प्रदर्शन करता है तो उसको सीधा इको गार्डन भेजा जाता है, लेकिन जिस तरह से इको गार्डन की अगर बात की जाए तो इको गार्डन में अपना विरोध दर्ज करा रही डायल 112 की महिला कर्मचारियों का आज छठा दिन है। तो छठे दिन के दौरान की अगर तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर इको गार्डन की हम जो तस्वीर दिखाएंगे, इको गार्डन का जो बड़ा गेट है वो तो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी कि इधर जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बंद है। लेकिन अगर उसके गेट की जो तस्वीर आप देखेंगे, यहाँ पर जो सुरक्षा का घेरा है वो सुरक्षा का घेरा इसलिए बनाया गया कि यहाँ पर से कोई भी अंदर अगर दाखिल होता है तो पहले उसकी लिखा पढ़ी होगी, उसकी आइडेंटिटी चेक होगी, आइडेंटिटी से नाम नोट होगा, उसके बाद अंदर भेजा जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए, यहाँ पर अगर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाने के लिए आ रहे हैं, जो एक धरना स्थल बनाया गया वहाँ पर अंदर जाने से पहले अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर नोट करानी पड़ेगी। तो आखिर जिस तरह से 6 दिनों से विरोध प्रदर्शन डायल 112 का चल रहा है, तो आखिर अब जो अधिकारियों ने यहाँ पर आदेश दिया, उस आदेश के बाद यहाँ पर पूरा नाम की काउंटिंग भी हो रही है, कौन कितने बजे जाता है, कौन कितने बजे वापस आता है। हाथों में आप डायरी देखेंगे, डायरी में साफ तौर से नाम अंकित किए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर फिर चाहे प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हों या फिर यहाँ पर कवरेज के लिए पहुँच रहे हों, फिर चाहे मीडिया पर्सन हो या फिर अदर पर्सन, सभी को अपनी आइडेंटिटी नोट करानी पड़ेगी, उसके बाद ही अंदर एंट्री दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन की यहाँ पर जो तस्वीरें आती हैं, उन तस्वीरों के बाद अब त्यौहार है, त्यौहार को लेकर के भी जिस तरह से यहाँ पर माहौल देखा गया, तस्वीरें देखी गईं, उस तस्वीरों के बाद अब जो पुलिस की सख्ती है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, और उस सख्ती के साथ जो विरोध प्रदर्शन है उसको भी पूरी तरीके से खत्म करने की जो कवायद है वो भी तेज हो गई। लेकिन अगर अंदर जो प्रदर्शन कर रही महिला कर्मचारी हैं उनसे जब इस मामले पर बातचीत की गई तो साफ तौर से कहा गया कि उनके ऊपर चाहे जितनी सख्ती की जाए वो अपना विरोध नहीं खत्म करेंगे। अगर यहाँ पे हम बातचीत भी अगर करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल बोलने को तो कोई भी नहीं तैयार होगा, क्योंकि सभी का एक ही चीज़ कहना है कि अधिकारी इस मामले में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि किस वजह से नाम नोट हो रहा है, क्या आइडेंटिटी है, या फिर जो प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ लोग पहुँच रहे हैं उनको रोका जा रहा है। ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह से अब आवाज़ जो इन लोगों की लगातार उठ रही है, आवाज़ उठाते हुए संघर्ष किया जा रहा है, उस संघर्ष को पर अब रोकथाम शुरू हो चुकी है। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन आखिर आने वाले दिनों में खत्म होगा या फिर ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। डायल 112 की महिला कर्मचारी अपनी आवाज़ को उठाने के लिए लगातार विरोध कर रही हैं। आज उनका छठा दिन है और छठे दिन भी वो पूरी तरह से इको गार्डन में मौजूद हैं। तस्वीरें एक बार फिर हम आपको वही दिखा रहे हैं इको गार्डन की। ये वही महिला कर्मचारी हैं जो डायल 112 में कार्यरत थी, लेकिन क्या वजह रही जिसके कारण ये लोग अब खुद अपने लिए मांग कर रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं। दूसरी चीज़ जो खुद लोगों की आवाज़ बनती हैं, आज उनको खुद
मदद की ज़रूरत है। यानी कि बात की जाए, जब कोई भी डायल 112 पर फ़ोन करता है तो ये वही महिला कर्मचारी हैं जो उस सूचना को आगे पास करते हैं और पुलिस की मदद दूसरों तक भेजते हैं। लेकिन आज ये लोग खुद जिस तरह से 6 दिनों से संघर्ष कर रही हैं, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, तीनों ही समय में ये लोग पूरी तरीके से इसी तरह बैठी हुई हैं। बीती रात की बात की जाए तो जिस तरह से बरसात हुई थी, बरसात के दौरान भी ये लोग यहाँ पर डटी रहीं। लेकिन अब जिस तरह से इन लोगों के आरोप हैं, आरोप क्या हैं वो खुद ये ही लोग बताएंगे कि आखिर जिस तरह से जो संघर्ष की बातें एक की जा रही हैं, उस संघर्ष के पीछे आखिर वजह क्या रही। ये बताइए, आप लोग जिस तरह से यहाँ पर बैठी हुई हैं, आज 6ठा दिन है, 6ठे दिन भी आप लोग बैठी हैं, पुलिस लगातार रोक टोक भी कर रही है, क्या कुछ आप लोगों की बातचीत अभी तक हो पाई है? नहीं सर, हमारी कोई बात अभी नहीं सुनी गई है, ना ही हमारी कोई बात हो रही है। बस हमें जो भी पुलिस के एम्प्लॉय हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए। इवन आज हमें एंट्री भी नहीं दी जा रही, जो हमारी सीओज कल भीग गई थी बहुत ज़्यादा बारिश में, आज सुबह वो गई घर पे चेंज करने के लिए, चेंज करके आ रही तो उन्हें मना कर दिया जा रहा है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको जाना है तो जाइए लेकिन एंट्री अंदर नहीं मिलेगी, अब अंदर कोई नहीं जाएगा। हमें ये धमकी दी जा रही है, हमारे घर पर पुलिस जा रही है, मना कर रहे हैं कंटिन्यू कि आपको, आप अपनी बेटियों को बुला लीजिए, आप अपने घर वालों को बुला लीजिए, जिससे कि वहाँ पे लड़कियाँ हट जाएँ। हमें हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, धमकी के माध्यम से भी, बात करने के माध्यम से भी, बस हमें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बताइए, आप लोग भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप लोगों को जो कहा जा रहा है कि ऑफिस से आप लोगों को लेटर भी जारी किया गया जिसमें आप लोग वहाँ पर नौकरी करिए, वापस आइए, उसके बावजूद आप लोग वहाँ पर नहीं पहुँच रहे, उसके पीछे वजह क्या है? सर, जो हमने मांग की थी 18,000 सैलरी, जो लेटर था वो हमारे जो भी आंदोलन था उसके बाद से हमें दिया गया था, और उसमें ना कंपनी सिर्फ नाम मेंशन है, एचआर का नाम भी मेंशन नहीं है, ना उसमें वीक ऑफ मेंशन है, 365 दिन काम करना है, प्लस जो एम्प्लॉय 2 साल अंडर 112 में काम किया है सिर्फ उसी को उस प्रोसेस में रखा जाएगा, उसके अलावा और किसी के लिए नहीं है। और तब 365 दिन काम करने के बाद हमें 12,101 सैलरी दी जाएगी, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी कुछ के। आप लोग यहाँ पर हैं, ड्रेस भी आप लोगों की चेंज हो चुकी है, रोका टोकी भी शुरू हो गई है, आज 6ठा दिन है, किस तरह से आप लोग सर्वाइव कर रही हैं, किस तरह, जो यहाँ पर बीमार हुई थी आप लोगों के साथ की जो कर्मचारी थी जो बीमार हुई थी, क्या वो अस्पताल गई उसके बाद भी यहाँ पर आप लोगों के साथ शामिल हुई? जी सर, हम लोग जो बीमार पड़ रहे हैं वो खुद आके यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, ये भी कल बीमार थी लेकिन आज ये हमारे साथ बैठी हुई हैं। कल रात में इतनी ठंडी हवा चली है, इतनी बारिश हुई है, बारिश में हम लोग भीगे हैं, कुछ लड़कियाँ बीमार पड़ी हैं, उन्हें अभी हमने सुबह भेजा है हॉस्पिटल चेकअप के लिए, और हम लोग यहाँ कपड़े चेंज करके गीले कपड़े में कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, कुछ लोग हमारे पास कपड़े थे, हमने कपड़े चेंज किए, हम फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं इसी उम्मीद में कि कोई आएगा और हमारी बात सुनेगा। अब बात हमें ये भी पता चली है कि प्रशासन हमारे बारे में बहुत गलत चीज़ें बाहर बता रहे हैं, कि सीएम सर ने हमसे मिलने के लिए कोशिश की थी, उन्होंने हमसे बताया था कि हम मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बताया जा रहा है कि हमने मना किया है कि हम उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। ये बताइए, यहाँ पर आप लोग जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, पुलिस ने 2-2 FIR भी दर्ज कर ली है, FIR दर्ज करने के बाद भी आप लोगों से जो बातचीत हुई, क्या उस चीज़ से को लेकर के आगे भी कार्रवाई को लेकर के जो बातें कही जा रही, उसके बाद भी आप लोग यहाँ से नहीं हटे, आप लोग ये जो प्रदर्शन है, जो मांग है, आखिर इसको कब तक जारी रखेंगी, और क्या कुछ अगर वार्ता होती है तो उसके बाद कब यहाँ से जो अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे? सर, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं पर रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से महिला कर्मचारियों की जो बात की जाए प्रदर्शन की, वो यहाँ पर तस्वीरें साफ तौर से देख रहे हैं। इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से यूपी 112 की जो 75 जिलों से सूचनाएं पास होती हैं, उन सूचनाओं को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन जब से ये कर्मचारी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरे तो कहीं ना कहीं जो सूचनाएँ हैं वो भी बाधित हो रही हैं। फिलहाल अधिकारियों के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महिला कर्मचारियों को नौकरी पर दोबारा बुलाया जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच की जो वार्ता है उसमें किसी तरह का समाधान नहीं निकल रहा। तो अब इसमें कह सकते हैं कि जिस तरह से जो लोगों तक मदद पहुंचाती थी वो आज खुद के लिए मदद मांग रही हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरह का कोई भी समाधान निकल कर सामने नहीं आया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत के सिरमौर सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकार में यूपी में सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन ऐसा दावा करने वाली योगी सरकार एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़ रही लापरवाहियों को लेकर सख्त दिख रही है, लेकिन सीएमओ कार्यालय में बैठे जिम्मेदार इसको लेकर पूरी तरीके से लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। वही सरकार डॉक्टर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी जो डॉक्टर है वो लगातार
प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला हॉस्पिटल हसनगंज के आईटी चौराहे के पास डॉक्टर रविता श्रीवास्तव स्त्री रोग प्रसूति एवं इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ के नाम से हॉस्पिटल खुला हुआ है। इसी हॉस्पिटल के बोर्ड पर केजीएमयू के प्रोफेसर डॉक्टर अभिजीत चंद्रा का नाम भी दर्शाया गया है। इस मामले को लेकर जब सीएमओ से बात करनी चाहेगी तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। इस हॉस्पिटल को लेकर बड़ी बात यह है कि ये अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुआ है और उसमें मरीजों का ऑपरेशन करने के साथ उनको भर्ती भी किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में प्राइवेट हॉस्पिटलों का लगातार बोलबाला दिख रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों पर लगातार कार्रवाइयां भी होती हैं, छापेमारी भी होती है, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जहां पर कार्रवाई के नाम पर केवल जीरो रहता है। लखनऊ के जो हसनगंज इलाके के आईटी के पास की हम जो तस्वीर दिखाएंगे, ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये रविता श्रीवास्तव नाम से जो बोर्ड है, इसी के अंदर एक निर्माणाधीन हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा है। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाएंगे तो वो हम एक दूसरा बोर्ड जो दिखाएंगे उस पर आप साफ तौर से देखेंगे जो लिखा हुआ है डॉक्टर रविता श्रीवास्तव, जो फातिमा हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होगी कि जो दूसरा नाम इस पर लिखा हुआ है डॉक्टर अभिजीत चंद्रा, प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट सर्जिकल गैस्ट्रोलॉजी केजीएमयू लखनऊ, यानी कि केजीएमयू में सरकारी डॉक्टर हैं और उसके बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका पूरा नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर बातचीत की जाए कि अब जो गली आप देख रहे हैं, इसी गली में वो निर्माणाधीन 3 मंजिला हॉस्पिटल है जिसको सीएमओ ऑफिस ने लाइसेंस तो दे दिया है, लेकिन लाइसेंस देने के बाद जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसमें मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर मरीजों की भर्ती हो रही है और ना ही सीएमओ ऑफिस इस मामले में किसी तरह का कोई कार्रवाई करती है, ना ही किसी तरह की जांच पड़ताल करती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों पर लगातार जो सीएमओ दावा कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी जाँच पड़ताल भी की जा रही है, कितनों के पास लाइसेंस है, क्या मरीजों के साथ जो दवाइयाँ दी जा रही है वो सही है, या फिर इस हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो इसमें जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डॉक्टर कहां पर तैनात हैं, क्या यहां पर कितनी टीम है, जो नर्सों की टीम की बात की जाए, जो स्टाफ की बात की जाए वो स्टाफ कितना है, क्या इस मामले में अभी तक सीएमओ की तरफ से कोई जांच पड़ताल की गई, इस मामले में किसी तरह की कोई भी जानकारी देने से सीएमओ ऑफिस की तरफ से इनकार किया गया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सरकारी डॉक्टर का नाम इस हॉस्पिटल पर पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो क्या वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर केवल उनका यहाँ पर नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी लखनऊ। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।